हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम आ चुके हैं तिरुवा और तिरुवा के एक चेयरमैन से आपको मिलाने वाले जो पिछले चार बार इस चुनाव को जीत चुके हैं, वो इनसे आपको मिलाने वाले हैं। इनका नाम है विनोद गुप्ता। तो सर, आप चेयरमैन के चुनाव जो इस बार कब होने वाले हैं? इस दिसंबर चुनाव हो जाएगा। आपका शुभ नाम वैसे क्या है? विनोद गुप्ता। तो इस बार जो आपने पिछले पाँच सालों के आप काम बताएं, तो आपने पिछले पाँच सालों में सड़कों को लेकर आपने कितना काम कराया होगा? नगर पंचायत में करीब 100-150 सड़कों का निर्माण कराया गया है। इसके अलावा ड्रीम प्रोजेक्ट था काना गौशाला, उसके अंदर काना गौशाला जो है बनवाई गई, जिसमें करीब 250 जानवर इसमें रखे गए, गोवंश रखा गया। तो और यहाँ पूरे त्रुवा में आपने कितने आवास वितरण करवाए हैं जो यहाँ के लोग हैं? ये करीब 400 कुछ आवासों का वो हो चुका है, 133 का अभी सर्वे चल रहा है, उसके जाँच के बाद उनको आवास मुहैया करा दिया जाएगा। जो कुछ लोग बचे हैं जिनको अभी तक आवास अलॉट नहीं हुआ है, तो उनको कब तक ये आवास मिल जाएगा? ये देखिए, डूडा विभाग इसका वो करता है, मेरे द्वारा उनकी सारी पत्रावलियाँ कंप्लीट करा के उन्हें भेज दी गई हैं और मुझे लगता है जल्द ही उनको आवास उपलब्ध हो जाएंगे। यहाँ त्रुवा में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर सड़कों को लेकर अभी भी दिक्कत है, टूटी सड़कें हैं या कुछ ऐसी भी जगह हैं जहाँ पर सड़कें बनी नहीं, तो वो कब तक ठीक हो जाएंगी? देखिए, अब जब भी आगे बजट आएगा तभी हो सकता है, अब तो आचार संहिता लागू होने वाली है, आगे तो अब नया जो कार्यकाल आएगा उसी में संभव है। अच्छा, तो इस आप सरकारी स्कूल में किस तरीके से शिक्षा को देखते हैं? सरकारी स्कूलों में शिक्षा में सुधार हुआ आया है पिछली सरकारों का अपेक्षा। इस बार जो है काफ़ी कुछ गवर्नमेंट ने कराने का प्रयास किया है, हम लोगों के द्वारा भी वहाँ पर बहुत कुछ कार्य कराया गया है। क्या ऐसा इस बार भी है कि गरीब लोगों को प्रताड़ित किया जाता है? नहीं, तिरुवा में ऐसा कुछ नहीं था, प्रताड़ित वाला कोई कार्यक्रम, और फिर योगी जी की सरकार में तो कहीं भी गुंडागर्दी नहीं है। तो इस बार आप कितने वोटों से जीतने वाले हैं? अभी तो भविष्य बताएगा क्या कितने जीतेंगे, इसके बारे में तो नहीं बताया जा सकता है। टोटल वोटिंग कितनी है यहाँ की? यहाँ क्या 21,035 वोट है। पिछली बार कितनी थी? पिछली बार 19,000 थी। इसमें से आपको कितने वोट मिले थे? 5,000 वोट। 5,000 वोट। तो इस बार क्या उम्मीद है कि आपको कितने वोट मिलेंगे? इससे ज़्यादा मिलेगा, 6,000 वोट इस बार मिले, लगभग ज़्यादा मिलेंगे। जी जी। और इस बार जो आपकी सरकार अब आ जाएगी, तो किस तरीके के विकास को देखेंगे आप? जो अधूरे कार्य रह गए उनको पूरा करने का प्रयास करेंगे। जैसे कुछ लोगों का आवास अभी तक अलॉट नहीं हुआ, कुछ सड़कें बची हैं, और भी जो कुछ काम है तो वो काम आप पूरे कराएंगे? प्राथमिकता के आधार पर उनको पहले काम कराया जाएगा। कोशिश रहेगी जो आवास विहीन लोग हैं उनको आवास दिलाने काम किया जाए। जिन नए क्षेत्रों में, पुराने क्षेत्रों में तो ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहाँ सड़क ना हो, नए क्षेत्रों में सड़क दिलाने का भी काम कराया जाएगा। इस बार खेलकूद को लेकर आप क्या सोचते हैं? खेलकूद के लिए अभी हमने एक पार्क का कार्य चल रहा है, जल्द ही नगर में जनता को 2-4 दिन में एक पार्क देने का काम नगर पंचायत करेगी। त्रुवा में ऐसी कई जगह हैं जो सरकारी ज़मीनें हैं, तो वहाँ पर पार्क बन जाएगा तो बच्चों को कहीं ना कहीं खेलकूद में आसानी हो जाएगी। तो कई ऐसी जगह, तो आप किस तरीके के इसमें पार्क में निर्माण कराएंगे? एक हमें अभी जगह पर जिला नगर प्रशासन ने, तहसील प्रशासन ने एक जगह उपलब्ध कराई है, उसमें पार्क बनाने का हम लोग काम चल रहा है। आज ही उसमें पिलर लगा के बाउंड्री करा के काम शुरू हो रहा है। और वैसे भी डीएन कॉलेज के हॉस्टल है, बहुत अच्छी फील्ड है तिरुवा में, सौभाग्य है। जी जी, अंदर बाहर तो काफ़ी खेलने की जगह वैसे भी उपलब्ध। आपने कभी खेलों का आयोजन करवाया है? हाँ, कई बार कराया, कई बार खेले भी हैं, करा खेल का भी आयोजन भी कराया है। चलिए दोस्तों, इतना ही, और उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा होगा। और जो कुछ ऐसे काम बचे हैं त्रुवा के, और बहुत जल्द आगामी सालों में जैसे ही चुनाव जीतता है, जिसकी भी सरकार आती है, तो सभी कामों करवाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, और आप सबसे तेज पर बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। सर, और कुछ आप कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, कुछ नहीं कहना चाहते, आपसे जो कुछ बताया शेयर कर दिया है। बस त्रुवा की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे चार बार अपने मौका दिया है। जी जी, पांचवी बार आपको क्या लगता है कि त्रुवा की जो जनता आपको कितना प्यार देगी? नहीं, उससे ज़्यादा देगी, और बरसों से अपेक्षा है। ये तो बहुत एक बड़ा अचीवमेंट है कि आपके लिए, कि आप लगातार चार बार चेयरमैनी का चुनाव जीते हैं और पांचवी बार आप लड़ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं जनता का प्यार है आपके पास। जनता बहुत ज़्यादा हमको विश्वास हमारे पर करती है, निश्चित रूप से उनके विश्वासों पर हम खरे उतरने का प्रयास करेंगे।